हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यम्मी होता है और प्लस आपके एचबी अगर कम है या फिर आपकी एनर्जी फील नहीं करते हैं तो आपका एचबी भी बढ़ेगा और काफी एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट यानी कि चुकंदर का हलवा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक ही चुकंदर लिया है और इसको मैंने पील कर लिया, छील के रख लिया है वॉश करके। और ये लिए हैं काजू के कुछ टुकड़े और ये लिए है बादाम और किशमिश लिए है मैंने, ठीक है। और ये देखिए मैंने नारियल है, ठीक है, कद्दूकस किया हुआ नारियल ले लिया है। एक थोड़ी सी चीनी ली है और ये मैंने लिया है इलायची पाउडर। तो फ्रेंड्स, झटपट से हम बनाते हैं अपना बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी हलवा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो ये हमने चुकंदर लिया है, मैं अभी आपको सिर्फ एक उसका बता रही हूँ चुकंदर का बना के, ठीक है। इसे हमने ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है, ठीक है। तो गाइस, ये देखिए मैंने सारा चुकंदर को कद्दूकस कर लिया, ग्रेट कर लिया है। तो आगे हम देखते हैं क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने देसी घी डाल लिया है और अब जो हमारे चुकंदर है इसे हमने अच्छे से भूनना है। तो गाइस, ये देखिए अब हमारा जो चुकंदर है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसे हमने अच्छे से भूनना है। तो थोड़ी देर इसको जो इसका पानी है उसे ड्राई करना है और इसे पकाना है, ऐसे आपने भूनना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो चुकंदर है वो अच्छे से भून गया, यानी कि इसका पानी सारा जो है वो सूख चुका है, ठीक है, ड्राई हो गया। तो अब हमने जो किशमिश इकट्ठी की थी वो हम इसमें डालेंगे और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं हमने कट कर लिए हैं और ये कोकोनट है, ठीक है, ये सब कुछ इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी भी होता है और आप बहुत शौक से खाओगे। अगर एक बार बनाओगे, बच्चे भी इसे बड़े आराम से इजीली खा लेंगे। तो गाइस, अब हमने ऊपर से इसमें इलायची डाल देनी है, इलायची पाउडर। इससे जो टेस्ट के साथ साथ आपको एक खुशबू सी आती है ना, उससे बहुत ही गजब का स्वाद आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं ये, और आप खुद ही देख रहे होंगे ड्राई हो गया है। बस इस स्टेज पे हमने इसमें दूध डालना है। तो गाइस, ये इसमें मैं दूध डाल रही हूँ और अब हमें इसे दूध में पकाना है अच्छे से। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है और अगर आप एक बार पकाएंगे ना, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये और टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। और कलर भी बहुत है, आप देख रहे हो कितना क्यूट सा कलर आ गया, पिंक सा। और खाने में भी है, यानी कि जिसमें हमारे ज्यादा कलर्स होते हैं वो हमारे एचबी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इसे दूध में अच्छे से पकाना है हमने, ठीक है। दूध डाल के अब इसे पकाना है और ये अच्छे से इसमें बॉइल आ गया है। बस अब हमने इसमें चीनी डाल दी ना, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसे अब खूब अच्छे से हमने पकाना है, चलाना है, ताकि जो है हमारा जो हलवा है वो गजब का स्वाद आए और नीचे से पकड़े ना। तो गाइस, ये देखिए हमारा यम्मी सा हलवा रेडी है। और फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट है ना, इतना ज्यादा गजब का है ना कि आप बच्चों को जो चुकंदर खाते नहीं है, इस अगर इस तरीके से खिलाएंगे तो बच्चे क्या बूढ़े भी सब जन ही खाना पसंद करेंगे। और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, आप अगर आपका एचबी कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।